नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कॉम्पिटिशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में हम पिछले हफ्ते का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर एनालिसिस करने वाले हैं। वीकली सीरीज हमारा स्टार्ट हो चुका है, जो भी बीच में मिस हुआ था छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का उसे हमने पूरी तरह से कवर कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब को यहाँ एनालिसिस करने वाले हैं, शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ आप लोगों के डाउट्स थे उसे मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला डाउट यह है कि मंडी निरीक्षक वाला जो एग्जाम होने वाला है आपका 29 अप्रैल को, उसके लिए करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करें या फिर जो हमारा सीरीज चलता है क्या उस एग्जाम के लिए सफिशियंट होगा? तो बिल्कुल सफिशियंट होगा। हमने जितने भी वीकली सीरीज में हमने जितने टॉपिक्स एनालिसिस किए हैं आप चाहो तो उसे कवर कर लो, सफिशियंट होगा बिल्कुल। एक सवाल यह भी था कि मंडी निरीक्षक के लिए जो पेपर होने वाला है उसमें कितने दिनों का करंट अफेयर आपको तैयार करना है, तो उस एग्जाम के लिए या फिर व्यापम के जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए आप एटलीस्ट 6 महीने का मिनिमम करंट अफेयर्स पढ़कर चले जाइए, सफिशियंट होगा। अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो 1 साल का भी करंट अफेयर पढ़ सकते हो, आप इसे तैयार करके चले जाओ। इसके अलावा एक बात और कि हमने जब CGPSC CSE यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जाम होने वाला था फरवरी में, जो कि आपका 14 फरवरी को हुआ था, उससे पहले एक करंट अफेयर का मैराथन सेशन चलाया था। नेशनल करंट अफेयर का भी था और छत्तीसगढ़ का भी था, तो दोनों लगभग 4-4, 4.5 घंटे के वीडियोस हैं, उसे आप देख लीजिए तो भी आपका 2020 का पूरा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। और अगर नहीं तो वीकली सीरीज पिछले 6 महीने का 7 महीने का आप अच्छे से कवर कर लीजिए, उससे भी आपका करंट अफेयर पूरा तैयार हो जाएगा। लगभग 15 क्वेश्चंस करंट अफेयर से आने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। क्लियर है? तो और नहीं भी होगा तो 29 अप्रैल को पेपर होना है, उससे 1 हफ्ता पहले तक आप करंट अफेयर प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि व्यापम जो है रीसेंट का करंट अफेयर बहुत हद तक पूछता है। तो लगभग 1 हफ्ते पहले तक पिछले 6 महीने या 7 महीने का पूरा करंट अफेयर मैं एक सेशन में कंप्लीट करा दूंगा, तो भी आप लोगों के लिए बेहतर हो जाएगा। तो 29 अप्रैल अभी टाइम है, उससे 1 हफ्ता पहले मैं कोशिश करूंगा, अभी गारंटी नहीं दे सकता लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मंडी निरीक्षक वाले एग्जाम के लिए मैं पूरा करंट अफेयर आप लोगों का पिछले 6 से 7 महीने का एक साथ करा दूं। क्लियर है? चलिए शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस लेक्चर का अगर आपको PDF चाहिए तो वो मिलेगा टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में पिन किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से जुड़कर। चलिए, पिछले लेक्चर में हमने जितने भी टॉपिक्स को एनालिसिस किया था उन टॉपिक्स के आधार पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं यहाँ पर, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि आप बेहतर तरीके से रिवाइज कर सकें इस क्वेश्चंस के माध्यम से। पहला क्वेश्चन है, राज्य का पहला सरकारी मेगा स्टोर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन आपके इस सामने रहा, नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री ने नगर निगम कार्य प्रदर्शन सूचकांक यानी कि म्युनिसिपैलिटीज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में छत्तीसगढ़ के कितने शहरों को टॉप 10 में जगह दिया है या फिर जगह मिला है? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस अंतर्राष्ट्रीय पर्वतरोही ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो जिसकी ऊंचाई इतनी है को फतह किया है? ये रिसेंट का है, मार्च का ही न्यूज है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर आप लोग करते रहिएगा। चलिए, इसके बाद आज का हम अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है मुख्यमंत्री पेंशन योजना से रिलेटेड है, आप इसका यूज जो है मेंस एग्जामिनेशन में भी कर सकते हो वैल्यू एडिशन के तौर पर, और वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। तो सबसे पहले देखते हैं कि मुख्यमंत्री पेंशन योजना से रिलेटेड न्यूज है क्या। तो समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के अंतर्गत एक स्कीम चलाया जाता है मुख्यमंत्री पेंशन योजना। इस योजना के बारे में हम आगे डिटेल जानने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले यह न्यूज में ये देख लेते हैं। तो इस योजना को जो है हाल ही में छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब इस एक्ट के तहत में इस योजना को शामिल करने से फायदा ये होगा कि इसको एक गारंटी मिल जाएगी एक स्कीम की। मतलब समझिए कि अगर सिर्फ यह स्कीम है तो इसे सरकार जब चाहे तब बंद कर सकती है, और अगर किसी एक्ट के तहत इसे गारंटी दे दे तो जब सरकार इसे खत्म करना चाहेगी तो इस एक्ट में इसे संशोधन करना पड़ेगा यानी कि अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तभी इसे खत्म किया जा सके। तो इस योजना को और मजबूती प्रदान करने के लिए, सुचारू ढंग से और चलाने के लिए मुख्यमंत्री पेंशन योजना को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी एक्ट 2011 के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। और इसे शामिल करने के पीछे का उद्देश्य जो है वो है
अधिक से अधिक लोगों को समय पर लाभ पहुंचे, सुनिश्चित लाभ पहुंचे, इसी उद्देश्य के साथ में इस एक्ट के तहत में इस योजना को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री पेंशन योजना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां पर देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट है। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री पेंशन योजना 2018 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना से सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के सर्वे सूची के आधार पर सूचीबद्ध जो वरिष्ठ नागरिक है जिनकी उम्र 60 साल से अधिक हो चुका है, जो विधवा महिला है, उन्हें लक्षित किया गया है इस स्कीम के अंडर में। क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से इसके अंडर में आते हैं मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत, तो वो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होनी चाहिए, उनकी उम्र जो है 60 वर्ष या फिर उससे अधिक होना चाहिए, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की जो महिला है, जो विधवा है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। और इसके तहत जो है प्रति महीने 350 रुपए का जो पेंशन है वो दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री पेंशन योजना के बारे में भी आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है और कहीं ना कहीं आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो मेंस में। अगर छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों से रिलेटेड या फिर समाज कल्याण के लिए कौन कौन से स्कीम चलाए जा रहे हैं तो आप इसका बिल्कुल मेंशन कर सकते हो, क्लियर है। चलिए अगला टॉपिक है, उदंती सीता नदी में मिला है एक दुर्लभ पहाड़ी कछुआ जिसका साइंटिफिक नाम है ट्रैको रिलेंट हिल टर्टल, ये इसका साइंटिफिक नाम है और इसे पहाड़ी कछुआ भी कहा जाता है। एक बहुत ही रेयर है, विलुप्त होने की कगार पे, लगभग विलुप्त हो चुका है और वन विभाग को धमतरी जिले में उदंती सीता नदी में विलुप्त प्रजाति के पहाड़ी कछुआ यहाँ पर मिला है। यह कछुआ लगभग 12 सेंटीमीटर और लगभग 1 किलो का है। इस दुर्लभ प्रजाति के कछुओं को जो है शेड्यूल 1 में रखा गया है, यानी कि यह जो है बिल्कुल ही विलुप्त होने की कगार पे है या फिर विलुप्त हो चुकी है, तो ऐसे को शेड्यूल 1 यानी कि अनुसूची 1 में रखा जाता है। उदंती सीता नदी अभ्यारण जो है आपको पता है कि 2006 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था और 2009 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। उदंती सीता नदी दोनों को मिलाकर एक टाइगर रिजर्व है और दोनों को अलग अलग कर दें तो दोनों एक सेंचुरी भी है यानी कि अभ्यारण भी है। एक आपका धमतरी में स्थित है, एक आपका गरियाबंद में स्थित है, तो दोनों से रिलेटेड भी यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर उदंती अभ्यारण के बारे में समझते हैं। इसे अभ्यारण का दर्जा दिया गया था कब, 1983 में। कहाँ स्थित है, तो यह गरियाबंद जिले में स्थित है। कितने क्षेत्र में है, तो 230 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में यह स्थित है। इस अभ्यारण के बीच से उदंती नदी जो है वो प्रवाहित होती है, इसे भी याद रखिएगा। और इसी अभ्यारण में एक गोदना नामक जलप्रपात भी स्थित है। तो उदंती अभ्यारण से संबंधित इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आपको यहाँ पर याद रखना होगा। सीता नदी से रिलेटेड भी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोग समझ लीजिए। सीता नदी अभ्यारण कौन से जिले में स्थित है, तो ये आपका धमतरी जिले में स्थित है। इसे अभ्यारण का दर्जा कब दिया गया था, तो 1974 में, और ये छत्तीसगढ़ का पहला और सबसे पुराना अभ्यारण है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इसका जो एरिया है वो लगभग 560 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 559 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। तो उदंती अभ्यारण और सीता नदी अभ्यारण के बारे में भी आपको पता होना चाहिए और उदंती सीता नदी अभ्यारण यानी कि इसे टाइगर रिजर्व दोनों को मिलाकर बनाया गया है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भूलन दी मेज को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हाल ही में, और ये छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा फिल्म है जिसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में रीजनल सिनेमा कैटेगरी में, कैटेगरी याद रखिएगा, एक ओवरऑल कैटेगरी होता है, उसके बाद रीजनल कैटेगरी होता है और भी बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, तो रीजनल सिनेमा कैटेगरी में छत्तीसगढ़ में बनी फिल्म भूलन दी मेज को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। वन डे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके लिखिएगा। और नेशनल फिल्म अवार्ड हासिल करने वाला ये राज्य का पहला फिल्म है। छत्तीसगढ़ और हिंदी भाषा में ये फिल्म बना हुआ है, 2 घंटे 10 मिनट की ये फिल्म है। संजीव बक्सी की एक उपन्यास है जिसका नाम है भूलन कांदा, उसी पर यह आधारित है। भूलन कांदा एक विचित्र पौधा है और इस फिल्म में पीपली लाइव के नत्था यानी कि ओंकार दास मानिकपुरी जो है वो लीड रोल में है। ये है आपके ओंकार दास मानिकपुरी और ये फिल्म का जो है वो पोस्टर है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में बनी किस फिल्म को राष्ट्रीय 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नाम याद होना चाहिए। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक है मनोज वर्मा। इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग कैलाश खेर ने गाया है और इस फिल्म को ना सिर्फ राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 67वां राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बल्कि इसे और भी
और कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी सम्मानित किया गया है, जैसे कैलिफोर्निया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सम्मानित किया गया है, कोलकाता में नेज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी इसे सम्मानित किया गया है, और मेडिटेरियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इटली में हुआ था, यहाँ भी इसे सम्मानित किया जा चुका है। तो फूल ऑन द मेज, इस फिल्म का नाम आपको याद रखना है, लीड रोल कौन है, लीड रोल में कौन है उसे याद रखना है, किसके निर्देशन में बना है, कौन से उपन्यास पर यह फिल्म आधारित है, इन सब बातों को आपको पता होना चाहिए। क्लियर। चलिए अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है गोधन न्याय योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ की एक महत्वाकांक्षी योजना है गोधन न्याय योजना, और इस योजना को एक योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है, उस योजना का नाम है सुराजी गांव योजना। उसी के अंतर्गत गोधन न्याय योजना को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 2020 में हरेली पर्व के अवसर पर, यानी कि 20 जुलाई 2020 को गोधन न्याय योजना शुरू किया गया था। इसके बारे में हम पहले भी बहुत कुछ डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर आप लोग रिकॉल कर पाओ इसलिए मैं यहाँ पर रिपीट करते रहा हूँ। इस योजना के अंतर्गत पशुपालकों और ग्रामीणों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जाती है। खरीद किए गए गोबर से गौठानों में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा कंपोस्ट खाद का निर्माण किया जाता है, और लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ को जैविक कृषि की तरफ बढ़ावा दिया जा सके, यानी कि जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा सके छत्तीसगढ़ में। और इससे जो कंपोस्ट खाद निर्मित होता है उसे 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सरकार द्वारा खरीदा जाता है। क्लियर है, तो याद रखिएगा स्कॉच गोल्ड अवार्ड छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय योजना को मिला है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स आपको याद रखना है, गोधन न्याय योजना के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 2 कैटेगरी में और भी स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ है। इसमें से एक है बाल विकास सेवाओं के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए भी स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है छत्तीसगढ़ को। इसके अलावा एक गीदम परियोजना है उसके लिए भी स्कॉच गोल्ड अवार्ड से छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है, हेल्थ श्रेणी में गीदम परियोजना के लिए। तो ये दो टोटल 3 हो गए, एक गोधन न्याय योजना हो गया और एक बाल विकास सेवाओं के लिए हो गया और एक गीदम परियोजना के लिए हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, अब गोधन न्याय योजना से रिलेटेड यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रखना है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के लगभग 1,62,497 पशुपालक लाभान्वित हो रहे हैं, यानी कि इतने लोग लाभान्वित हो रहे हैं गोबर बेचकर जो इन्हें रकम प्राप्त हो रहा है उसके माध्यम से। इनमें से 70,299 भूमिहीन ग्रामीण है, यानी कि उनके पास में किसी प्रकार से कोई भी एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, किसी प्रकार का लैंड नहीं है, उन्हें लाभ मिल रहा है, जिनकी संख्या है 70,299। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब गोधन न्याय योजना से रिलेटेड मेन्स में आंसर राइटिंग कर रहे हो तो इसका वैल्यू एडिशन कर सको, या फिर सामाजिक से रिलेटेड छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों के उत्थान से रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो इसका आप वहां पर वैल्यू एडिशन कर सको। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों में 44.55% यानी कि लगभग 45% जो है वो महिलाएं शामिल हैं। क्लियर है, स्कॉच ग्रुप सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर काम करने वाला भारत का एक अग्रणी थिंक टैंक कंपनी है, स्कॉच ग्रुप के बारे में भी याद रखिएगा। और यह ग्रुप भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अलग अलग कैटेगरी में, चाहे किसी इंडिविजुअल पर्सन को दे या फिर किसी एजेंसीज को दे या फिर किसी परियोजना को सम्मानित करे, तो ये उस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड जो है प्रत्येक वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए अगला वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चार्टर अकाउंटेंट फाइनल परीक्षा में देश में प्रथम जो स्थान प्राप्त किया है वो लड़का है रायपुर का, नाम है इसका याद रखिएगा आप भ्रमर जैन। इन्होंने हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी चार्टर अकाउंटेंट फाइनल परीक्षा के नतीजों में ऑल इंडिया रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है। बहुत बड़ी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है, नाम याद रखिएगा, कहाँ के रहने वाले हैं ये याद रखिएगा, कौन से एग्जाम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट इंडिया द्वारा जारी चार्टर अकाउंटेंट फाइनल परीक्षा के नतीजों में, बस इतना याद रखना, वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला, भूपेश बघेल देश की ताकतवर हस्तियों में इस बार यानी कि 2021 में जो यह रैंकिंग रिलीज हुआ है उसमें 26वें नंबर पर है, और इस रैंकिंग को किसके द्वारा जारी किया गया है, तो एक अंग्रेजी अखबार है द इंडियन एक्सप्रेस, इसके द्वारा रिलीज किया गया है, और इसके हिसाब से देश के 100 सबसे शक्तिशाली हस्तियों में
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 26वें स्थान पे हैं और पिछले साल जो है वो 54वें स्थान पे थे, ठीक है, याद रखिएगा। और इस सूची में पहले नंबर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दूसरे नंबर पर अमित शाह, तीसरे नंबर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का नंबर आता है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि इन्होंने इस रैंकिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे हस्तियों को पछाड़कर जो है 26वां स्थान प्राप्त किया है। वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। अभी हाल ही में ये शख्स हैं अमिताभ जैन, इन्हें दिसंबर 2020 में यानी कि कुछ समय पहले ही छत्तीसगढ़ का चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था, लेकिन अब इनकी जगह पर इन्हें चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है यानी कि सुब्रत साहू को। तो इतना जल्दी अमिताभ जैन जो है अपना पद कैसे छोड़ रहे हैं, तो अमिताभ जैन को जो है केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में दिल्ली बुलाया गया है, यानी कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी का काम करेंगे। इनका छत्तीसगढ़ से ट्रांसफर हो चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी के तौर पर, तो अब जो है इनकी जगह पर सुब्रत साहू को छत्तीसगढ़ का अगला मुख्य सचिव जो है वो नियुक्त किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। एक बात और याद रखिएगा कि 21 सालों के इतिहास में अमिताभ जैन छत्तीसगढ़ कैडर के ऐसे पहले ऑफिसर हैं जिनका नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी के तौर पर किया जा रहा है। तो पहले है इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अमिताभ जैन के बारे में भी याद रखिएगा और सुब्रत साहू के बारे में भी याद रखिएगा, वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला टॉपिक, मुख्यमंत्री ने जारी किया है स्वच्छता एंथम। ये इसलिए जारी किया गया है कि 2020 का जो स्वच्छता सर्वेक्षण जारी किया गया था उसमें स्टेट कैटेगरी में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे है। और 2019 का जब जारी किया गया था स्वच्छता सर्वेक्षण तो महाराष्ट्र के साथ में उस समय भी छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे था और उससे पहले भी पहले स्थान पे था। तो इसीलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने एक स्वच्छता एंथम जारी किया है और इस स्वच्छता एंथम में जो आवाज दिया गया है वो शंकर महादेवन के द्वारा दिया गया। एक प्रसिद्ध बॉलीवुड सिंगर है, म्यूजिक डायरेक्टर भी है, म्यूजिक कंपोजर भी है, तो इन्हीं के द्वारा इसका आवाज दिया गया। तो शंकर महादेवन के बारे में याद रखिएगा, स्वच्छता एंथम के बारे में रखिएगा। स्वच्छता एंथम का टाइटल किस प्रकार से है, स्वच्छता बने है छत्तीसगढ़ा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो इस तरह से आप यहां पर याद रखिएगा, स्वच्छता सर्वेक्षण में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को रैंकिंग मिली है उसके लिए एक एंथम बनाया गया है, स्वच्छता एंथम, जिसका टाइटल है स्वच्छ बने है छत्तीसगढ़ा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, जिसमें आवाज दिया है शंकर महादेवन ने। ठीक, चलिए आगे बढ़े। ये न्यूज 2020 का है, उस समय अनाउंस हुआ था और अब जो है इन्हें सांसद रत्न से सम्मानित किया गया है आपका 21 मार्च को, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन अब फाइनली इनको अवार्ड मिल गया है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सांसद हैं छाया वर्मा, कांग्रेस की सीट पर इन्हें राज्यसभा में नामित किया गया है और इन्हें 2020 का सांसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रथम वर्ष में उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें यह सम्मान दिया गया है और यह सम्मान दिया जाता है, इसे रिकमेंड किया था पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने रिकमेंड किया था कि लोकसभा और राज्यसभा में बेहतर कार्य करने वाले सांसदों को सम्मानित किया जा सके। और इसके लिए अभी इस वर्ष यानी कि 2020 में 8 लोकसभा सांसद और 2 राज्यसभा सांसद को सम्मान दिया गया है, यानी उनका चयन किया गया था, जिसमें से एक राज्यसभा सांसद छत्तीसगढ़ की छाया वर्मा है। नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा, छत्तीसगढ़ में भी 5 राज्यसभा की सीटें हैं, छाया वर्मा के अलावा 4 और कौन राज्यसभा सदस्य हैं हमारे राज्य से, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला टॉपिक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज के इस एनालिसिस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम वर्चुअल कोर्ट कहां स्थापित किया गया है। रायपुर में पहला वर्चुअल कोर्ट स्थापित किया गया है, हमने पहले भी एनालिसिस किया था, उस समय अनाउंस हुआ था लेकिन अब यह शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के तो चीफ जस्टिस है कौन है यह भी याद रखिएगा, न्यायमूर्ति पी आर रामचंद्र मेनन, इन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का शुभारंभ किया है और इस वर्चुअल कोर्ट में 18 कोर्ट रूम का निर्माण किया गया है ताकि कोविड-19 जैसे सिचुएशन और सिचुएशन में जहां पर कोर्ट आकर ना फैसला सुनाया जा सके वहां वर्चुअली ही डिसीजन लिया जा सके, फैसला सुनाया जा सके और कोर्ट के काम को जो है वो बिना रोके सुचारू रूप से चलाया जा सके। और कोरोना काल के दौरान ही यह फैसला लिया गया था कि एक वर्चुअल कोर्ट की स्थापना की जाएगी। तो याद रखिएगा किनके द्वारा उद्घाटित किया गया है, कहां शुरू किया गया है और ज्यादा से ज्यादा
कितने कोर्ट रूम का निर्माण किया गया है और यह प्रदेश का पहला जो है वो वर्चुअल कोर्ट है। तो वन डे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आज के तो फिलहाल इस सेशन में फिलहाल इतना ही। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे पिछले 8-9 दिन 10 दिन का, वो सब हमने एनालिसिस कर लिया है। हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, 24 घंटे के बाद अपलोड कर दिया जाता है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुद का ख्याल रखिए। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।